सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल अपना करेल विधानसभा से नामांकन कर दिया है, उसको लेकर जनता का क्या है मूड हम जानेंगे। करेल की पब्लिक से हमारे साथ कुछ वरिष्ठ जन मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या है उनका रिएक्शन। सर क्या है सर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने करेल से कल नामांकन किया है, क्या लगा? यहाँ कोई लड़ाई नहीं, करेल विधानसभा हमेशा सपा का घर रहा है और सपा में ही है और कम से कम 1.5 लाख से जीत होगी और यहाँ बीजेपी बसपा का तो नामो निशान भी दोनों का नहीं रहेगा और जमा जबड़ा हो जाएगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति सर, क्या नाम आपका? राम नरेश सर। भाजपा से एस पी सिंह बघेल को उतारा है जी, किस तरीके से देखते हैं? एस पी सिंह बघेल जी का यहाँ कुछ है नहीं, ये समाजवादी पार्टी का पहले से भी गढ़ रहा है और आज भी है और सरकार की नीतियों से भी लोग विरोध में हैं और वो सब समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। सरकार की नीतियों का विरोध करने की बात कह रहे हैं सर। सर क्या नाम आपका? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह जी, ये बताइए कितने उत्साहित हैं आप? हम लोग बहुत उत्साहित हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव भी यहाँ एक तरफा चुनाव है। प्रत्याशी तो ये बीजेपी का इसलिए किया है यहाँ निर्विरोध चुनाव न हो जाए क्योंकि जनता बिल्कुल एक तरफा है, शहर की चाहे क्षेत्र की गांव की। नेताजी ने यहाँ विकास किया है, नेताजी पड़ोस के हैं, नेताजी से सारे लोग हर गांव का हर व्यक्ति मिला हुआ है। अब कानून मंत्री जी को यहाँ भेज दिया है तो यहाँ क्या जनता को कानून मंत्री जी से न मिलना है न झुलना है। अब मंत्री जी आए हैं, अपना सीधा पर्चा डाला, सीधे चले गए, इसी तरीके से 10 मार्च को भी आएंगे और सीधे चले जाएंगे। एक तरफा चुनाव की बात कर रहे हैं, स्थानीय वरिष्ठ जन हैं कुछ हमारे साथ, एक सज्जन व्यक्ति और हैं। सर क्या नाम आपका? सर सैफई 4 किलोमीटर दूर है यहाँ से और वहीं के सपा सुप्रीमो हैं रहने वाले और वो यहाँ से करेल से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो बहुत सौभाग्य हमारा जो अध्यक्ष जी हमारे विधानसभा करान से लड़ रहे, यूपी में कहीं भी लड़ जाते तो लाखों वोटों से जीते उनकी और सपा सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है, 300 से ऊपर सीट मिल रही, बहुत अच्छी जीत है। और करान में तो उनके लिए कुछ करना ही नहीं, उनको हम लोग काफ़ी कार्यकर्ता बहुत काफ़ी हैं उनके लिए और बीजेपी तो बहुत आदमी परेशान है, किसान और पत्रकार, बच्चों ने तो किताब खोल के नहीं देख पाई अभी क्या होता है जब तक भाजपा सरकार आई है, अभी बच्चों ने किताबें नहीं खोली, पढ़ाई सब चीज़ खराब ही है भाजपा की सरकार से और सपा ने जो कुछ किया सपा ने किया यहाँ पर, सफाई करेगी भविष्य में हम लोगों के लिए। सपा की जीत का दावा कर रहे हैं और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसा क्या नाम है? महेश बाबा। एस पी सिंह बघेल ने अपनी जीत का दावा किया है, जो भाजपा प्रत्याशी हैं क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले ये समाजवादी में थे एस पी सिंह बघेल, अगर ये सही होते तो पार्टी छोड़े क्यों भागते, बसपा में गए सपा में रहे और कई दल बदले, यहाँ कहीं कुछ है नहीं। ये जीत गए तो केंद्रीय मंत्री हैं, यहाँ इसलिए लाए गए हैं, यहाँ कई कैंडिडेट थे कि पर्चा वापस न ले लें, निर्बोध न हो जाए अखिलेश जी, तो इसलिए केंद्र से लाए जी पर्चा वापस न लें। भाजपा की जो है साख बनी रहे, यहाँ से कम 1.5 लाख से जीतेंगे और यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, हाईवे जो एक्सप्रेस वे बनवाया, सड़कें गाँव गाँव बनवाई, यहाँ बहुत विकास किया अखिलेश जी ने जब सरकार थी तब, यहाँ चाची जिले में सड़कें गाँव गाँव पाट दी भाजपा ने, तो कोई सिंगल काम ही नहीं किया यहाँ पे, और गाय भैंस का तो आदमी मरा जा रहा है किसान गाँव गाँव, तो इन्हें तो वोट कोई देगा ही नहीं, कितना किसान मारा गया आंदोलन में, 700 किसान मारा गया, तो ये कहीं किसान की बात नहीं कहते न कहीं, अच्छा पढ़ाई में से सब घर लड़का बैठे कहाँ है, तीसरी लहर चौथी लहर कहूँ है, ये सब उनका जो हवा हवाई बातें हैं। यहाँ अखिलेश जी जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का घर रहा है और यहाँ मुलायम सिंह का यहीं से शुरुआत करी, जैन इंटरकाली में टीचर थे मुलायम सिंह, यहीं रहे करे, यहीं पढ़ाया, यहीं राजनीति करी, यहीं से शुरुआत भाई साहब। ये थे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ, और भी लोग, ये थे करेल के कुछ वरिष्ठ जन हमारे साथ, इन्होंने अखिलेश यादव जो चुनाव रण में करेल विधानसभा से उतरे हैं उनकी 1 से 1.5 लाख के बीच में जीत का दावा किया है वोटों से।
अक्षय आर्यन दस्तक टीवी के लिए मैनपुरी।